हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मेरा नाम है चंदन और आप हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन देख रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको लोगों को पता चल गया हो कि आपका रिजल्ट आ गया है मैट्रिक का, जो बिहार बोर्ड का था, तो चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपको अपना रिजल्ट कैसे देखना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप हमारे वेबसाइट पे आ जाइएगा, वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि आपको किस तरह से रिजल्ट देखना है। तो उस सारी चीज़ों को आप फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे ही एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे कि आपको पता हो कि दो अलग अलग सर्वर पे बिहार बोर्ड का रिजल्ट डाला हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो पहले ये सर्वर वन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सर्वर टू पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सर्वर वन पे क्लिक करके रिजल्ट जो है देखना बताता हूँ। तो आइए, मैं सर्वर वन पे क्लिक करते हैं। देखिए, सर्वर वन पे हमने कर दिया क्लिक। देख, सर्वर वन पे अभी थोड़ा व्यस्त चल रहा था, तो चलिए मैं सर्वर टू को ट्राई कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं सर्वर टू पे आ गया हूँ और सर्वर टू पे कर दिया हूँ क्लिक। देखिए क्या कुछ शो होता है। सर्वर टू पे क्लिक करने के बाद ये जो रिजल्ट है वो ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे रोल कोड। ध्यान रखिए, रोल कोड बिल्कुल आपको सावधानी से सही सही डालना है। जैसे कि मैं रोल कोड डाल रहा हूँ 5300, थोड़ी सी दिक्कत होती है कि 0, उसके बाद 8 और 2, ये मैंने फीड कर दिया रोल कोड। अब मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे रोल नंबर। देखिए, मैं यहाँ पे रोल नंबर डाल रहा हूँ 19000। इस तरह से मैंने अपना रोल कोड और रोल नंबर फिल कर दिया। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक ऑप्शन दिख रहा है, इंटर करेक्ट योर आंसर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे यहाँ पे दिया होगा व्हाट इज, जैसे 1+4, तो 1+4 क्या आता है आपको पता होगा। 1+4 जो होता है वो आता है 5। तो मुझे सिंपल सा इसमें 5 फिल करना। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हर बार 5 नहीं आएगा, कई बार यहाँ पे 3+4=7 या कुछ भी इस तरह से आ सकता है। तो आप सिंपल सा जो भी मैथ का कैलकुलेशन हो वो आप सॉल्व करके उसके बाद आप सिंपल सा सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के साथ ही देखिए, इस तरह से आपका रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा। आप इसे यहाँ पे देख लीजिएगा कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, और नीचे प्रिंट का ऑप्शन होगा तो प्रिंट पे क्लिक करके